वो दिन दूर नहीं जब पूरा कंगन डूब जाएगा। चलाओ ऐसे मकान बनाओ कुंजाई ऐसा सुन कहाँ गुजारा करना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे सो के है। या तो मुझे लगता है वो नींद से जाग नहीं रही है, या तो उनके अंदर वो जज्बा नहीं है काम करने का। आज नाम मोहम्मद सुहान कुमार बस हसन आबादस मज बसान मे गो कल जदह पे गो मे ये बसान लटि सहलब वन आई पांच लटि जनाब ये कंस गौर ना ड्रेन दिवान ना कह दिवान कह अफसर अस मौक पे दिवान इन गरीबन कूत अजाब से गान मयाय अयाल हे आब आब त्रट सह नफरा नयीब सब आओ आए तो बस कौर मौका तो बता ड्रेन ना सारे खुद दिवान ना कह बंड दिवान ये पांच कन नहला से यपर तो तम कर जमींदारो बंद और आबस पे सोर ये अंदस कुन तो अस ना मौका कुन कुन चलनस कुन तम लगन ना आज जमीन अति कहें चलो अस मकान बनाओ कुन जाए अस ना कह गुजारा मे हजिस कमरस बहुत जोर ये बसान मेहरबानी करो इन आज अफर करो ये गुजारिश कि ये दिन दीवार ये दिन ड्रेन यप गा बस लायक। सबसे पहले आपको पता है कि दो दिन पहले भी ऐसे ही चला भी सूरत हाल पैदा हुई थी। मैं मानता हूँ कि इंतजामिया की लापरवाही है, लेकिन किसी हद तक मैं आवाम को भी इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अगर आप अपने कैमरा में ये विजुअल्स कैप्चर करोगे, ये जो ड्रेन है इसको लोगों ने एनक्रोच करके रखा है, ऊपर से स्लेब कंक्रीट स्लेब डाल के रखी है। आप ऊपर से इसका जायजा करके आए हैं, ऊपर से बराबर रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस तक लोगों ने एनक्रोच करके रखी है, इसके ऊपर स्लेब डाल के रखा है। और फिर जब सूरज सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है उस वक्त इसमें से कूड़ा करकट निकालने में दिक्कत पेश आती है, और यही वजह होता है बाद में कि पानी जो है रोड या जमीनी सतह पे आके फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा करता है। इंतजामिया भी सो के है, मुझे पता नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है। दो दिन पहले अगर हसन आबाद में सैलाब आया था, फ्लड लाइक सिचुएशन थी, वहाँ नायब तहसीलदार और AE PMGSY के अलावा कोई ऑफिशियल आया नहीं। इवन वहाँ पे एनक्रोचमेंट अगर खत्म करनी थी तो वहाँ के लोकल्स और मैंने खुद लोकल हमने गालियां खाई और वो एनक्रोचमेंट खत्म करवा के दी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे सो के है, या तो मुझे लगता है वो नींद से जाग नहीं रही है, या तो उनके अंदर वो जज्बा नहीं है काम करने का। कम से कम उनको देखना चाहिए कि अगर लोग उन्होंने ड्रेनेज या रास्ते को एनक्रोच करके रखा है, कम से कम उस एनक्रोचमेंट को उनको हटाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर दीगर कोई मुतबादिल रास्ते हैं उनको निकाल के किसी हद तक उनको इन सैलाबी सूरत हाल को काबू में करना चाहिए, वरना यही है कि अगर हम तस से मस नहीं होगी तो खुदा ना खासा मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब पूरा कंगन डूब जाएगा। कम से कम हमें अपनी जिम्मेदारियां भी इसमें लेनी चाहिए। आप अगर देखेंगे मुझे लगता है 70% लोगों की गलती है। यहाँ देखो क्या होता है, जब लोग एनक्रोच करते हैं तो दूसरा देख तमाशा देखता है, कहता है कि मुझे कौन सी चट्टी है, मैं क्यों इसको कहूँ, मेरा हमसाया ताल्लुक खराब हो जाएगा। लेकिन बाद में जब सैलाब सर के ऊपर से गुजरता है तब उसको तब वो नींद से जागता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ इंतजामिया की गलती है। 70-30 का रेशो अगर हम इसमें बना के देखेंगे 70% लोगों की गलती है, 30% इंतजामिया की। मैं इंतजामिया को कहना चाहूंगा कि कम से कम इस एनक्रोचमेंट को वो खत्म करे, अगर नहीं करेगी तो हम लोकल लेवल पे JCP को हायर करके फिर ये जो एनक्रोचमेंट है इसको हटाएंगे, क्योंकि हमें बार बार सैलाबी सूरत हाल देखना जो है अच्छा नहीं लगता। लोग बेचारे घरों में सहमे हैं, आधे घर ऐसे भी है जो बिल्कुल सैलाबी जो है सैलाब की वजह से बह चुके हैं, उनके घरों में पानी है, उनके जो है किचन में पानी घुसा है। मुझे बताइए कि इन इस बारिश के वक्त वो कहाँ जाएंगे।